हेलो एवरीवन, आज हम फोकस करेंगे कि लैब सॉल्यूशन में सिस्टम सुटेबिलिटी चेक, बेसलाइन चेक, ऑटो पर्च एंड फ्यू मोर ऑप्शंस कैसे हम बैच में या मेथड में अपडेट करके उसका यूटिलाइज कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, लैब सॉल्यूशन में लॉगिन करेंगे, एंटर योर यूजर आईडी एंड पासवर्ड। सो उसके बाद हमको जिस प्रोजेक्ट में काम करना है हम वो प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे। फॉर एन एग्जांपल एमडीआर टेस्ट हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया। उसके बाद हम इंस्ट्रूमेंट को कनेक्ट करेंगे जहाँ हमको मेथड बनानी है। मेथड में ही हमको कुछ फंक्शंस अपडेट करने हैं, जैसे मैंने आपको बताया सिस्टम सुटेबिलिटी चेक, बेसलाइन चेक एंड ऑल दैट। सिस्टम इज कनेक्टिंग नाउ। This instrument is not connected or already in use because कोई instrument नहीं है यहाँ पे, status not connected आएगा। Now, as you know, method creation के लिए हम क्या कर सकते हैं, file new method file और we can click on this icon। So, सबसे पहले हम new method file बनाएंगे और आप जानते हैं कि last video में हमने एक्सप्लेन किया था रिगार्डिंग ऑल दिस टॉपिक, तो हम उसके डिटेल्स में नहीं जाएंगे। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप अवेलेबल आई आइकन पर क्लिक करके मेथड क्रिएशन के बारे में जान सकते हैं। सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमें मेथड क्रिएशन में इन टैबों में जो फोकस करना है, दैट इज नथिंग ऑटो पर्च। सो यहाँ पे हम जो भी हमको ए बी सी डी लाइन हम मेथड के थ्रू पर्च करेंगे, जितना भी हम टाइम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, फॉर एन एग्जाम्पल 5 मिनट यहाँ पे हमने इसको प्रोवाइड किया है। देन ऑटो सैम्पलर, जो भी टाइम हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं वो आपको वहाँ रिफ्लेक्ट होगा। यू कैन सी वार्म अप टाइम इज नथिंग, कॉलम सेचुरेशन टाइम आप इनिशियल स्टार्टिंग फ्लो दे सकते हैं और जितने भी टाइम के लिए आपको कॉलम सेचुरेट करनी है, डेट मीन्स फ्लो आपका कॉलम के थ्रू डिटेक्टर से होके पास होगा। सो यह फॉर्म अप इज नथिंग, आपका कॉलम सेचुरेशन होगा जो आपने वो सब प्रोवाइड कर दिया है। दिस आर दी ऑप्शंस जो आप अपडेट कर सकते हो, आप रन टाइम, टाइम प्रोग्राम, पंप प्रेशर एंड फ्लो, डिटेक्टर, कॉलम ओवन टेम्परेचर, ऑटो सैम्पलर यानी कूलर टेम्परेचर, रेंज वॉल्यूम एंड ऑटो पर्ज। इसके अलावा जो फ्यू ऑप्शंस हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सिस्टम सुटेबिलिटी। सो हमने ये बेसिक मेथड क्रिएशन कर दिया है। इसके बाद हमको कुछ पैरामीटर्स जो ऐड करने हैं जिसके बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल है बेसलाइन चेक पैरामीटर। एज यू नो हर किसी का इंटरप्रिटेशन अलग होता है नॉइज इंटरप्ट के लिए। सो बेसलाइन नॉइजी है कि ट्रिप्ट है कि नहीं सिस्टम में, वो सब फिजिकली या आई से जानना थोड़ा मुश्किल है। सो बेटर है ये जॉब भी हम सिस्टम को प्रोवाइड करें। तो अकॉर्डिंग टू योर मेथड जो भी आप थ्रेशोल्ड वैल्यू यहाँ प्रोवाइड करना चाहते हो, जो भी रिक्वायरमेंट है मेथड की उसके अकॉर्डिंगली कि इतना नॉइस आपके इस पर्टिकुलर मेथड के लिए थ्रेशोल्ड है, इतना ड्रिफ्ट आपके पर्टिकुलर मेथड के लिए थ्रेशोल्ड है, तो आप वो टाइम दे सकते हो। सो दिस इज बेसलाइन चेक पैरामीटर जो आप यहाँ पे अपडेट कर रहे हो। कितने टाइम के लिए आप चेक करना चाहते हो वो टाइम आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो, स्टार्ट टाइम, एंड टाइम। एंड यहाँ पे अगर फिलहाल जब हम बैच सबमिट करते हैं और अगर हमारी बेसलाइन चेक फेल होता है तो क्या एक्शन लेना चाहिए, दैट इज फेल्योर एक्शन क्या क्या होना चाहिए, उसके कुछ ऑप्शंस हैं। जैसे कि पॉज, अगर आपकी बैच बेसलाइन चेक फेल होता है बैच में तो सिस्टम विल पॉज देर एंड देर, वहीं पे रुक जाएगा, रन सबमिट नहीं होगा। फर्दर स्किप, के जो सपोज पर्टिकुलर जो बैच चल रही है उसको स्किप करके सेकेंड बैच एग्जीक्यूट करें। एंड थर्ड इज कंटिन्यू, वेदर इट इज फेल और पास, अगर फेल होता है तो भी रन सबमिट हो जाना चाहिए। तो हमें इन दो ऑप्शन का ही काम है। सो विल सिलेक्ट पॉज, दिस इज आर बेसलाइन चेक पैरामीटर। फर्दर हमने बात करी सिस्टम सुटेबिलिटी सेटिंग की। सिस्टम सुटेबिलिटी इज नथिंग,
कि हमको इनिशियली हमारे डेटा प्रोसेसिंग पैरामीटर्स पता होने चाहिए, जो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो डेटा प्रोसेसिंग पैरामीटर में। जो भी आपके इंटीग्रेशन पैरामीटर्स हैं आप यहाँ पे एंटर करिए। आइडेंटिफिकेशन विल गो थ्रू दिस इंटीग्रेशन फंक्शन इन फ्यूचर वीडियोस, हम इंटीग्रेशन के बारे में भी जानेंगे। फिलहाल अगर आपको इंटीग्रेशन पैरामीटर्स पता है तो इनिशियली आप यहाँ पे एंटर करोगे, आइडेंटिफिकेशन इंटीग्रेशन प्रोग्राम के थ्रू प्रोग्राम करोगे। कंपाउंड फॉर एन एग्जाम्पल हम कोई दो कंपाउंड लेते हैं ए बी सी एक्स वाई जेड, वहां पे हम रेंडम आर टी प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, दिस आर द टू कंपोनेंट्स जो हमने यहाँ पे इंसर्ट किए, और हमने फॉर एन एग्जाम्पल हमारा इंटीग्रेशन पैरामीटर यहाँ पे अपडेट कर दिए हैं एंड विल क्लिक ऑन ओके। सो बेसलाइन चेक पैरामीटर अपडेट किया एंड हमने डेटा प्रोसेसिंग पैरामीटर अपडेट किया। तो हमको जानना क्या है, सिस्टम सुटेबिलिटी। नाउ सिस्टम सुटेबिलिटी टेस्ट, सो जब भी आप इनिशियली आपके 6 स्टैंडर्ड रन जो मार रहे हैं, जो भी आपने स्टैंडर्ड मारा वो विदिन द क्राइटेरिया है कि नहीं, वो जानने का मतलब सिस्टम सुटेबिलिटी, कि सिस्टम इज सुटेबल फॉर फर्दर एनालिसिस और नॉट। ओके, सो आपने यहाँ पे ए बी सी एक्स वाई जेड जो आपके दो कंपोनेंट हमने डेटा प्रोसेसिंग पैरामीटर्स में डाले वो आप यहाँ देख सकते हैं। हम इसको अलग अलग पैरामीटर पे डिफाइन कर सकते हैं। सपोज आई वुड से एरिया सिलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, सो अगर 2% इज द लिमिट, अगर 2% के लिमिट में आ रहा है तो सिस्टम सुटेबिलिटी पास होना चाहिए। एंड और भी पैरामीटर्स आप यूटिलाइज कर सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे आरटी की बात करता हूँ, आरटी का क्राइटेरिया अगर हम यहाँ पे 1% लेते हैं, सेकंड कंपोनेंट के लिए सपोज हम कोई भी आपके एग्जाम्पल के लिए सपोज हाइट का कंसिडरेशन करें, अगर वो भी 1% या 2% जो क्राइटेरिया हमें मेंशन करना है वो हम दे सकते हैं। सो आपने यहाँ पे सिस्टम सुटेबिलिटीज के भी क्राइटेरिया मेंशन कर दिए। सो आपको क्या ध्यान रखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने डाला बेसलाइन चेक पैरामीटर एंड डेटा प्रोसेसिंग पैरामीटर्स जो भी आपको पता है वो आपने डाले, और उसके बाद सिस्टम सुटेबिलिटी सेटिंग में सिस्टम सुटेबिलिटी पैरामीटर्स डाले आपने यहाँ पे, और हमने जो मेथड पैरामीटर्स यहाँ पे अपडेट किए थे वो। सो मेथड अपडेट की, फर्दर बेसलाइन चेक पैरामीटर, प्रोसेसिंग पैरामीटर एंड सिस्टम सुटेबिलिटी पैरामीटर अपडेट किया। दिस इज योर एडवांस मेथड क्रिएशन, सो हम इसको सेव करेंगे। चेक, दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट अ मेथड विथ बेसलाइन चेक पैरामीटर, सिस्टम सुटेबिलिटी पैरामीटर्स। ओके, फर्दर हम प्रोसीड करेंगे बैच क्रिएशन के बारे में, जिसमें हम इनपुट करेंगे ऑटो पर्च, बेसलाइन चेक एंड सिस्टम सुटेबिलिटी चेक। सो एज यू नो, अगर हमें रियल टाइम बैच ओपन करना हो तो हम मेन में से ओपन कर सकते हैं, मेन रियल टाइम बैच एंड बैच एडिटर। फर्दर ऑप्शन है विंडो, शो विंडो, रियल टाइम बैच एंड बैच एडिटर। हम रियल टाइम बैच ओपन करेंगे, आइधर आप इस आइकन पर क्लिक करिए, आइधर फाइल में जाके न्यू बैच में। कुछ फिक्स टेबल स्टाइल आपको दिख रही है यहाँ पे, तो हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं राइट क्लिक टेबल स्टाइल में से। बेसिकली जो जो रिक्वायरमेंट है हम वो रखेंगे और बाकी निकाल देंगे। सो बेसिक बैच क्रिएशन के बारे में हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया है, अगर आपको जानना है तो अवेलेबल आई आइकन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। फर्दर हमने जो भी पॉइंट्स डिस्कस किए अभी, ऑटो पर्स, बेसलाइन चेक, सिस्टम सुटेबिलिटी चेक, वो सब हम इस बैच क्रिएशन में इंक्लूड करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑटो पर्स के बारे में, बेसलाइन चेक, सिस्टम चेक, सिस्टम सुटेबिलिटी, एक्शन, रन मोड एंड रिपोर्ट फॉर्मेट फाइल। सो
सो जो भी अवेलेबल ऑप्शन हमने यहाँ पे इंक्लूड कर दिए हैं। तो सपोज हमें 10 रो की बैच बनानी है, तो हम फर्दर 9 रोज ऐड करेंगे इसमें। सो यू कैन सी 10 रोज आर इंक्लूडेड। अब जो जो हमारी रिक्वायरमेंट है, सपोज हमें फर्स्ट वाइल में से इंजेक्शन मारना है जो फर्स्ट ट्रे में रखी है, तो जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली जिस हिसाब से हमने एडजस्टमेंट किया है उस हिसाब से हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन अपडेट करेंगे। वाइल 1 ट्रे 1 एंड सैंपल नेम सैंपल आईडी अकॉर्डिंगली। एंड सपोज फिर हम 6 स्टैंडर्ड मारते हैं और SST चेक अगर हम 6 स्टैंडर्ड मारते हैं विल इंक्लूड दो। एंड फर्दर हम एक ब्लैंक सबमिट कर रहे हैं तो हम वो भी ऐड करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे कंट्रोल, फॉर एन एग्जाम्पल हमारे अगर 2 सैंपल हैं तो हम यहाँ पे 2 सैंपल ऐड करेंगे एंड दिस इज फॉर ब्रैकेटिंग स्टैंडर्ड। और ये जो डिफॉल्ट मेथड है जो हमने यहाँ डेटा एक्विजिशन में ऑन करके रखी है वो आपको यहाँ पे डिफॉल्ट में दिखेगी। डेटा फाइल नेम अकॉर्डिंगली हम दे देते हैं स्टैंडर्ड 1 और एक ब्लैंक इंक्लूड करते हैं देन सैंपल एंड देन हमारा बीकेटी स्टैंडर्ड। यहाँ पे हम इंजेक्शन वॉल्यूम अकॉर्डिंगली हमारे एनालिसिस के हिसाब से दे सकते हैं, जो भी हमारे एनालिसिस में रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली। फिर हमारे जो ऑप्शंस हैं जो हमने फर्दर डिस्कस किए मेथड क्रिएशन के टाइम, बट जो चीज़ें हमने नहीं डिस्कस करी फिर भी ऐड करी हैं वो जैसे कि आप देख सकते हो इसमें सिस्टम चेक है, रिपोर्ट फॉर्मेट फाइल है, रन मोड है। सो सिस्टम चेक क्या करेगा यहाँ पे, सपोज हम यहाँ पे सिस्टम चेक आप देख सकते हैं रिपोर्ट आउटपुट सिस्टम की हेल्थ चेक करेगा LC चेक। तो हमने यहाँ पे इनिशियली सिस्टम चेक आप दे दिया है। सो होगा क्या, जब भी आप ये बैच सबमिट करेंगे जिस रन के सामने हमने सिस्टम चेक दिया है, तो सपोज करो कि ये रन सबमिट होने से पहले सिस्टम चेक परफॉर्म होगा, अगर वो फेल होता है तो क्या होना चाहिए, तो डेट इज फेलियर एक्शन। तो उस सिस्टम चेक के लिए हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं तो फेलियर एक्शन क्या होना चाहिए। तो कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं यहाँ पे जैसे पॉज स्टॉप रन नेक्स्ट क्यू एंड स्टॉप वेट नेक्स्ट क्यू। तो पॉज में क्या होगा, तो जिस रन से पहले हमने इस रन में हमने दिया है तो सिस्टम चेक परफॉर्म होगा, अगर वो फेल होता है तो पॉज देंगे तो इट विल पॉज देयर एंड देयर स्टॉप रन नेक्स्ट क्यू। ये पर्टिकुलर बैच को स्टॉप कर देगा, जो भी क्यू में बैच है वो सबमिट होगी एंड स्टॉप वेट नेक्स्ट क्यू, ये बैच भी स्टॉप होगी और नेक्स्ट बैच भी वेट मोड में होगी। सो जनरली हमें क्या रिक्वायरमेंट है, तो हम यहाँ पे फॉर एन एग्जाम्पल पॉज लेते हैं। सो अगर सिस्टम चेक फेल होगा तो बैच पॉज हो जाएगी। फर्दर है ऑटो पर्च, सो मेथड में जो भी हमने ऑटो पर्च दिया है उसके अकॉर्डिंगली पर्चिंग होगा। ABCD जो भी टाइम दिया है हमने रेंज लाइन का टाइम दिया है उसके अकॉर्डिंग। सो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आप जिस रन से पहले यहाँ पे जहाँ पे भी आप टिक करोगे ऑटो पर्च, तो उस रन से पहले सिस्टम ऑटो पर्च करेगा जो भी मेथड में दिया है। तो इनिशियल रन में ये आपको लगाना है, अगर आप फर्दर बाकी सारे रन में लगाओगे तो जो भी रन है उन सबमिट होने से पहले उन सब में ऑटो पर्च होगा। सो इनिशियल रन में आप ऑटो पर्च दीजिए देन बेसलाइन चेक। सो बेसलाइन चेक परफॉर्म होगा इनिशियल रन सबमिट होने से पहले, और अगर वो फेल होता है तो सिस्टम विल पॉज। एज यू नो हमने मेथड बनाते टाइम उसमें पॉज सिलेक्ट किया था, तो जो भी एक्शन आप सिलेक्ट करोगे वो एक्शन होगा। फर्दर है हमारा सिस्टम सुटेबिलिटी, तो सिस्टम सुटेबिलिटी कि हमारा सिस्टम सुटेबिलिटी यहाँ से स्टार्ट होता है फर्दर रन अप टू हाउ मैनी, आगे के 4 रन है वो रन मोड में रहेगा रन में एंड देन यहाँ पे कैलकुलेशन होगा। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपका फाइनल रिजल्ट जनरेट होगा जो भी आपने पैरामीटर दिया है, अगर वो विद इन द पैरामीटर है देन दिस पास, सो आगे वो प्रोसीड करेगा। अगर वो फेल होता है तो फर्दर एक्शन हमको क्या लेना है, तो हम यहाँ पे फेल्योर एक्शन सिलेक्ट करेंगे सिस्टम फेल सिमिलर टू सिस्टम चेक
पॉज स्टॉप स्टॉप रन नेक्स्ट क्यू एंड वेट नेक्स्ट क्यू। सो हमें यहाँ पे भी रिक्वायरमेंट है पॉज की। सो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हो। जनरली हमें पॉज करना चाहिए, सो यहाँ पे सिस्टम पॉज हो जाएगी। फर्दर है रिपोर्ट फॉर्मेट फाइल। एज यू कैन सी रिपोर्ट फॉर्मेट फाइल आपने अगर देखा होगा तो डेटा मैनेजर में हर एक डेटा के नीचे पीडीएफ फाइल जनरेट होता है। सो दिस इज नथिंग, वो पीडीएफ फाइल आपको किस फॉर्मेट में चाहिए इसके लिए आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। अगर आप डिफाइन नहीं करते हो तो सिमाजू का जो बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट है उसमें वो लेगा। फॉर एन एग्जाम्पल मैं अगर ये इन सिलेक्ट करता हूँ तो ये जो फर्स्ट रन है वो उस रिपोर्ट फॉर्मेट में डेटा को जनरेट करेगा। सो इट इज इम्पॉर्टेंट जो भी फॉर्मेट में आपको पीडीएफ चाहिए उस फॉर्मेट को आप यहाँ पे सिलेक्ट करिए। देन एक ऑप्शन है यहाँ पे रन मोड का। व्हाट दिस रन मोड डू, आप देख सकते हो यहाँ पे वेट बिफोर एक्विजिशन है। अगर आप पर्टिकुलर रन, जिस रन में मैंने ये सिलेक्ट किया है उस रन के पहले कुछ मिनट वेट करना चाहते हो सबमिट होने से पहले, तो आप वहाँ पे टाइम दे सकते हो कि सबमिट होने से पहले 5 मिनट वेट मोड पे जाएगा और 5 मिनट के बाद सिस्टम रन ले लेगा, या फिर आप पॉज दे सकते हो। सो उस रन को सबमिट होने से पहले सिस्टम पॉज हो जाएगी एंड आप उसको रिलीज करोगे तो वो रन कंटिन्यू हो जाएगा। सो वाइजली आप इसका यूज कर सकते हो जहाँ पे भी आपका रिक्वायरमेंट है। एंड वन मोर थिंग यू कैन इंक्लूड ओवर हियर इज कि आपने देखा होगा कि डेटा मैनेजर में डेटा के साथ कुछ रिपोर्ट फॉर्मेट्स भी आती हैं जिसमें मेथड, इंस्ट्रूमेंट मेथड एंड प्रोसेसिंग मेथड इंक्लूड होते हैं। सो वो अगर आपको जनरेट करना होता है तो आप यहाँ से ये पीडीएफ आउटपुट सिलेक्ट कर सकते हैं। दिस इज इम्पॉर्टेंट कि आप आउटपुट सिलेक्ट करें और इंस्ट्रूमेंट मेथड का जो रिपोर्ट फॉर्मेट है वो एंड प्रोसेसिंग मेथड का जो रिपोर्ट फॉर्मेट है वो सिलेक्ट करें। सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट योर बैच विथ फीचर्स लाइक ऑटो पॉज, बेसलाइन चेक, सिस्टम चेक, सिस्टम सेटेबिलिटी। एंड आप इसको सेव करेंगे। होप आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सो अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हो या फर्दर हमारे और वीडियोज देखना चाहते हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अस। So, thank you very much.